और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान भारतीय सीमा पर एक बार फिर से गोलीबारी कर रहा है और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में ये गोलीबारी की जा रही है, जहां दो घरों में आग लग गई तो वहीं चार लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो सीज फायर वायलेशन हुई है तकरीबन 7 बजे हुई और लगातार दोनों साइड से फायर हो रहा था। पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से फायरिंग की गई, उसमें बताया जा रहा है कि चार लोग जो है वहां के नागरिक टंगडार एरिया के, वो घायल हो गए हैं। और जो गोलाबारी पाकिस्तान आर्मी ने की है, उसमें दो मकान जो है उनमें आग लगी है और दो मकान जल गए हैं टंगडार में। और अभी तनाव बरकरार है, लोगों में जरूर खौफ पैदा हो गया है इस गोलाबारी की वजह से। और अगर ज्यादा गोलाबारी बढ़ गई तो वहां कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से पिछले कई दिनों से, तकरीबन एक महीने से, कभी उड़ी में, कभी जो है हाजीपीर एरिया में, या कभी गुरेज सेक्टर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आज टंगडार में 7 बजे फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो काफी देर तक जारी रहा। और अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, चार लोग जो है वो घायल हो गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाला इलाका है, तनाव वहां पे बढ़ा है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से भी भरपूर वापस जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी को। शुक्रिया रिफत इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में एक स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। बस में 5 बच्चे बैठे थे। बताया गया कि स्कूल की बस मीठापुर बस स्टैंड के पास अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक बस का ड्राइवर बस को खड़ी कर कहीं चला गया, जिसके बाद बस पास ही बने गहरे गड्ढे में गिर गई। खबर मिलते ही पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला। हालांकि इस बीच जो लोग थे वो बेहद डर गए, क्योंकि उसमें बच्चे सवार थे। हालांकि 5 बच्चे उसमें बैठे थे, जिन्हें बड़ी ही सावधानी से वहां से निकाला गया। बताया गया कि स्कूल की बस जो थी वो मीठापुर बस स्टैंड के पास अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गई। जो वहां लोग मौजूद थे उनका कहना था कि ड्राइवर जो था वो बस को वहां खड़ा करके दरअसल कहीं चला गया, जिसके बाद बस पास ही बने गहरे गड्ढे में गिर गई। खबर मिलते ही पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हालांकि बाहर निकाला, और सबसे पहले प्राथमिकता इस बात की थी जो 5 बच्चे इसमें सवार थे उन्हें उतारा जाए। इटली के वेनिस में बीते 50 साल में आई सबसे बड़ी बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। 100 से ज्यादा छोटे द्वीपों पर बसाए गए वेनिस शहर में तूफान की वजह से बाढ़ आई, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। वहां ऐसे हालात बन गए कि सड़कों का नामोनिशान मिट गया और पानी रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से बहने लगा। कई मकानों में भी पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। कुछ इलाकों में घुटनों तक भरे पानी से लोग गुजरने को मजबूर हो गए। पूरे बाजार में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया। ऐसे में बचाव दल को बाजार में लोगों के चलने के लिए लकड़ी के तख्तों से छोटा पुल बनाना पड़ा। हालांकि वो पुल लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत लेकर जरूर आया, क्योंकि उसके माध्यम से लोग इस जगह से उस जगह जाने के लिए रास्ता तय कर पा रहे थे। लेकिन इस बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना तब करना पड़ा जब रिहायशी इलाके, यानी जहाँ उनका मकान है, जहाँ उनका घर था, वहां पर भी पानी पहुंचता नजर आया। जो नीचे मकान थे उनका निचला इलाका अगर आप कहिए तो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा था, और लोग इसी पानी के बीच से गुजरने को तैयार थे, क्योंकि स्थिति वहां पर ऐसी है कि लोगों को कुछ सामान लेने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है। और ऐसे में लोगों के सामने चुनौती ये कि जहां तक उनकी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उधर तमिलनाडु के मदुरई में एक बदमाश ने पता पूछने के बहाने एक महिला की सोने की चेन लूट ली। ये घटना तब घटी जब महिला रात के वक्त अपने घर लौट रही थी, तभी स्कूटर पर सवार एक बदमाश वहां पहुंचा और महिला को आता देख उसने स्कूटर मोड़ लिया। बेखौफ बदमाश ने पहले तो महिला के सामने अपना स्कूटर रोका और उससे पता पूछने का नाटक करने लगा। महिला उससे बात कर ही रही थी कि बदमाश ने उसके गले पर झपट्टा मारकर उसकी चेन छीनने की कोशिश की। महिला ने भी बदमाश का विरोध किया, लेकिन वो महिला को धक्का देकर अपने स्कूटर से वहां से फरार हो गया। हालांकि घटना का ये सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है और इसी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कर रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुछ पुलिस वालों को अंधविश्वास के खिलाफ कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। दरअसल ये पुलिस वाले नया गांव इलाके में प्रतिबंधित जंगल में लोगों को एक पेड़ की पूजा करने से रोकने गए थे, लेकिन गांव के लोगों ने उल्टे पुलिस वालों पर ही लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। गांव वालों के इस हमले में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 6 पुलिस वाले घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस दौरान गांव वालों ने लाठी मार मार कर पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ दिया, जबकि पुलिस की एक बाइक में भी आग लगा दी। यानी जब पुलिस उन्हें समझाने और इस बात से रोकने के लिए पहुंची कि उस पेड़ की पूजा ना की जाए, वहां पर मौजूद लोग वहां पर हिंसक होते नजर आए, उन्होंने वहां मौजूद बैरिकेड को तोड़ते नजर आए और साथ ही साथ 6 पुलिसकर्मियों को घायल भी कर दिया।
कितने लोग थे वहाँ जो जिन लोगों ने हमला किया? कोई साहब नहीं, कितना था पब्लिक कितनी थी? टीआई लोग कितने लोग थे? हम 25-30 जने थे। टीआई साहब घायल हुए हैं? पता नहीं, हम नहीं देख पा भगदड़ में कहाँ कहाँ। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, उसकी वजह से कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अभी स्थिति सामान्य है और ग्रामीणों से अभी अपील की जा रही है कि उस स्थान पर न जाए।